अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोहतरमीन, कैसे हैं दोस्तों। आज है यौमुल जुमा, अल्हम्दुलिल्लाह। काम पे भी नहीं गए लेकिन ये टिमहोटन आए हुए यहाँ से, ये सामने हमारे घर के पास ही है घर, तो वो सामने पीछे जो बिल्डिंग है पहाड़ पे, उसके बैक साइड पे घर है। तो जुमे की नमाज़ के लिए आया हुआ था, तो एक लार्ज सी कॉफ़ी ले ली है, कॉफ़ी पियेंगे और आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। मौसम है हर वक्त की तरह तकरीबन बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन सुबह से बादल हैं, बड़ा ही खूबसूरत। दरिया के किनारे खड़ा हूँ आके, इस तरह के पॉइंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। जुम्मा पढ़ के आ गए कंपनी में, लेकिन जो ट्रेलर डिलीवरी करना है मॉन्ट्रियल बुशरविल, वो अभी तक आया नहीं है। असल में सुबह की डिलीवरी थी, सुबह जाना था 10 बजे, लेकिन मैसेज आया कंपनी से कि वो डिले हो गया है, तो आप मत आना कंपनी, जब आएगा तो मैसेज कर देंगे, तकरीबन 4 बजे आएगा। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे जुम्मे की नमाज़ यहाँ नसीब होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी सब भाइयों के साथ। ज़्यादातर यहाँ पर जो हैं वो हैं अरब कंट्री से, अफ्रीका से भी हैं और अरब कंट्री से हैं, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ नमाज पढ़ के। अभी पहुंचा हूँ यार्ड, ट्रक को करते हैं तैयार, उसके बाद जब ट्रेलर आएगा तकरीबन 45 मिनट में आ जाएगा। उन्होंने सिस्टम में देख के बताया कि वो ऑन द वे है, उसमें लगेंगे 45 मिनट, तब तक आप रेडी हो जाओ। ये ग्लव लेकर आया हूँ, डोलारामा से मिले हैं, $5 के। ये गाय की खाल के बने हुए, बड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, खुले खुले हैं, बड़ा इजी लगता है काम करने में। लास्ट टाइम लिए थे कुछ दिन पहले, तो मैं लास्ट ट्रिप में जब गया था ब्लैक हार्बर, तो वहाँ पे मैंने पता नहीं कहाँ घुमा दिए, पता नहीं कहाँ रखे, वो भी नए थे, गुम हो गए। तो फिर ये जाके लिए, क्योंकि भी ग्लव्स तो बहुत ज़रूरी हैं, ग्लव्स के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। उसके अलावा भाई एक और खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक और ख्वाब पूरा कर दिया, एक और सपना, एक और दुआ पूरी कर दी। और जब जब दुआ पूरी होती है तो यकीन करें बस शुक्र अदा कर करके दिल जो है वो थकता नहीं। मेरे पास ट्रक था, आपको शायद पता होगा, वो था मैनुअल, और मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है मैनुअल, चाहे कार हो या फिर, ये तो खैर ट्रक था, बहुत मुश्किल। मैंने कहा था कंपनी को, पहले रिक्वेस्ट की थी कि देखें मैं एक तो नया हूँ, ट्रैफिक के रास्ते मुझे नहीं पता, ऊपर से आपने मुझे दे दिया मैनुअल ट्रक, तो मुझे ऑटोमेटिक दो। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास मैनुअल लाइसेंस है, हमारे पास मैनुअल ट्रक हैं, ऑटोमेटिक जो हैं वो भी हैं, लेकिन हमारे पास जो ड्राइवर आ रहे हैं वो, उनके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है, मैनुअल नहीं है, तो हम मैनुअल ट्रक का क्या करेंगे, आप चलाओ। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन आपको दे देते हैं ऑटोमेटिक ट्रक, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो तो आप चलाओ, उसके बाद फिर मैनुअल देंगे। तो शुरू शुरू में तो चलाया ऑटोमेटिक, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बटन दबाओ घूमते फिरो पूरा कैनेडा। लेकिन जब ऑटो अपना मैनुअल दिया तो बस क्या बताऊँ, बड़ा ही अजीब उसके सिस्टम है, बहुत दिल तंग होता था। पहले क्लच में जब पहला गियर दबाना है तो उसको क्लच फुल दबा के पहले गियर में डालना है, उसके बाद जब दूसरा गियर डालना है तो फिर आधी क्लच, इस तरह करते करते चले जाने 5 तक 5 के बाद फिर स्प्लिटर ऊपर करके फिर 5 गियर लगाने 10वें में। लेकिन जब डाउन शिफ्ट करना हो उसको, पहले क्लच दबाओ, गियर न्यूट्रल करो, उसके बाद एक्सेलेटर दबाओ, आरपीएम को ऊपर ले आओ, उसके बाद फिर क्लच दबाओ, फिर गियर लगाओ। अब ये सुनने में भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जब आप हो तो ये बार बार गियर चेंज करना, यार बार बार गियर चेंज करना, उफ, हेडेक थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी गया था उनके पास, मैंने कहा देखें
ये अच्छा ट्रक खराब हो गया था मेरा कल परसों, तो वो जमा कराए फिर उन्होंने मुझे दूसरा दिया ऑटोमेटिक। तो अभी मैं गया उनके पास, हमारे जो बड़े बॉस के बाद जो मैनेजर हैं उनको कहा, रिक्वेस्ट किया कि देखें ये ट्रक बार बार ख़राब हो रहा है, मैं हर रोज़ आता हूँ और 2 से 3 जो है घंटे में वर्कशॉप में लगा देता हूँ गैराज में, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी नींद ख़राब हो रही है, मेरी टाइमिंग डिलीवरीज जो है वो लेट हो रही है, तो काइंडली ये ट्रक मुझे दे दें। अच्छा ट्रक है, ऑटोमेटिक तो है लेकिन उसके अलावा ये नया ट्रक है और काफ़ी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा रख लो कोई बात नहीं है, तो शुक्र अल्लाह का ये मुसीबत भी ख़त्म हो गई। वो कहते ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, मुझे फील होता था कि इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था उससे। ऑटोमेटिक ट्रक में बहुत अच्छा होता है, एक दफ़ा डी लगाओ फिर चलते रहो, ट्रैफिक में फुल फोकस जो है आपका ट्रैफिक पे, रास्तों पे और चलाने पे होता है, गियर का कोई इशू नहीं है। मैनुअल में ज़रा बहुत परेशानी होती है, जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, सालों से चला रहे होते हैं मैनुअल, उनकी नेचर भी बन जाती है, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है भाई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी रखनी पड़ती है, पहले से शुरू करो, जब तक 10वीं में नहीं जाएगा 10वीं के बाद आप क्रूज़ कंट्रोल लगाओ फिर कॉफ़ी पियो, लेकिन जब तक 10वीं में नहीं जाएगा आप कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगा सकते, वो आपको हाथ लगाने नहीं देगा, गियर बार बार चेंज होता है। लेकिन अब ऑटोमेटिक में ये है कि आपने एक दफ़ा गियर लगाया, डी का बटन बस डी में डाला, कॉफ़ी पकड़ी और ट्रक चल रहा है खुद, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून है ऑटोमेटिक का। चलो अल्लाह का शुक्र है, ट्रक भी जो है वो ठीक है, साफ़ सुथरा है, इसको और साफ़ सुथरा रखेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रात को जाऊंगा घर पे, जब रात को तो मेरे ख्याल से नहीं वापसी होगी, कल ही होगी, तो कल रात को जो है वो 2 नफले शुक्राना ज़रूर पढ़ूंगा इसके अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये है हमारा नया ट्रक इंटरनेशनल 2017, सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी ऑटोमेटिक। ये जगह खाली है, जगह मिल जाती है, बाकी ये इसके क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे ऑडियो सिस्टम है इसका, बाकी ये फंक्शन तो जैसे होते हैं वही हैं। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक, कंडीशन भी ठीक है ट्रक की, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर भी काफ़ी जगह दे रखी है, काफ़ी बॉक्सेस हैं इसमें सामान रखने के लिए, और ये है इसका स्लीपिंग बर्थ। काफ़ी खुले डुले ट्रक होते हैं ये इंटरनेशनल के, बेड भी बड़ा होता है, 2 आदमी सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी सो सकते हैं, बुरे लोग सोते हैं भाई, मियाँ बीवी साथ में चलते हैं। ये इसका आइडल सिस्टम है, ये कूलिंग है, ये हीटिंग है, अगर आपको ट्रक बंद करना है तो ट्रक बंद कर दें, यहाँ से एसी या फिर हीटिंग ऑन करके सो जाएं, ये खिड़कियाँ हैं इसकी। अगर आपको फ्रेश हवा चाहिए तो अब ये बाहर से हवा आएगी, अब ये लॉक हो गया, किताब वगैरह पढ़ना है ये उसके लिए है, यहाँ पे भी है इसके बॉक्स, ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, इस तरफ भी बॉक्स है। ये खाने की टेबल, इसके नीचे आएगा फ्रिज, लेकिन फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती फ़िलहाल, और यहाँ पे भी एक जगह है काफ़ी खुली डुली है, यहाँ माइक्रो ओवन वगैरह रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको खाली रखा है, इसमें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ा काम आता है। और ये भी जगह है, यहाँ पे भी जाय नमाज होता है मेरे पास ट्रक में, ये ऊपर पड़ा है जाय नमाज, इसको बिछा के किबला चेक करके तो नमाज पढ़ लेते हैं। ये झाड़ू ले आए हूँ इसके लिए, झाड़ू लगाने के सफाई करने के काम आएगा, फिलहाल ये मालूम नहीं है किसके पास था, तो मट्टी मट्टी है अंदर, इसको साफ करेंगे इंशाल्लाह, इस ट्रक को अपना अपना परमानेंट ट्रक बनाएंगे।
चलने में काफ़ी पावरफुल होते हैं। मैनुअल के मुकाबले में ऑटोमेटिक ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो मैंने महसूस किया, क्योंकि इसमें होते हैं 16 गियर, छोटे छोटे गियर होते हैं, वो जल्दी चेंज कर लेता है ऑटोमेटिकली। और मैनुअल में होते हैं 10 गियर, तो बड़े गियर होते हैं तो ज़रा उनमें ताकत कम हो जाती है, फिर हम भी चेंज नहीं करते कि यार अभी छोड़ो, थोड़ा ना वाइब्रेशन करता है तो ठीक है उठा लेगा खुद ही, अब कौन बार दोबारा 9 से 10 में लगाओ, फिर 9 से 10 में लगाओ इसलिए। लेकिन ये है ऑटोमेटिक, तो ये फौरन से उठा लेता है। अच्छा, इनमें जो ट्रक है हमारे, इनमें ये सिस्टम है नीचे लगा हुआ, ये इन्वर्टर है, ये पावर देता है 220। यहाँ पे भी है 12 वोल्ट का, आप इसमें मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। और ये एंटीना का लगा है, अगर आपको टीवी देखना है तो इसमें लगा के टीवी देखो। और ये इसके स्लीपिंग बर्थ के एसी पैनल है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ये सामने म्यूजिक सिस्टम है, ये यूएसबी चार्जिंग वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल ठीक होते हैं इनके ट्रक, इंटरनेशनल के अच्छे होते हैं और फ्रेड लाइनर के इससे और अच्छे होते हैं, उधर ड्यूरेबल होते हैं, मेंटेनेंस कम निकलती है उसमें। बाकी पीटरबिल्ट, केनवर्थ, ये तो खैर रोड मास्टर है ना, ये तो किंग है रोड के, स्पेशली पीटरबिल्ट और केनवर्थ दोनों, मुझे केनवर्थ ज़्यादा पसंद है, पीटरबिल्ट के भी अच्छे होते हैं। वेस्टर्न स्टार, वो भी बहुत अच्छा ट्रक होते हैं वेस्टर्न स्टार के, वो शौकिया तौर पर रखते हैं लोग ज़्यादातर। आधा घंटा ड्राइव की है, थक गए, कॉफ़ी लेते हैं भाई, कॉफ़ी जिंदाबाद। ये सामने देख रहे हैं फैक्ट्री, ये है कैस्केड्स की, ये कैस्केडिया फैक्ट लाइनर आई थिंक। छोटा सा टाउन है यहाँ पे, लेकिन अच्छी बात ये कि टिम हॉर्टन है। यहाँ से नहीं है रास्ता, घूमना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल का ट्रिप है, मॉन्ट्रियल पे ड्रॉप करना है और वहीं से एक लोडेड ट्रेलर है वो उठा के तो वापस आना है। बारिश हो रही है, मौसम माशाल्लाह शानदार है, मौसम तो शानदार है, लेकिन मैंने पैसे तो उठाए नहीं, तो वापस चलते हैं फटाफट पैसे उठाते हैं। आईफोन 14 प्रो की तलाश में हूँ, आज गया हुआ था वॉलमार्ट, वहाँ पे लगा हुआ था पैकेज $114 का, उसमें आईफोन भी और पैकेज भी, अनलिमिटेड इंटरनेट और 24 महीने का प्लान था। ये बस ये पूछना बाकी था कि 14 महीने के बाद फ़ोन मेरा होगा कि वापस करना पड़ेगा। आजा पैसे, डॉलर आजा डॉलर। फिर घूमना पड़ेगा, कोई बात नहीं, घूमना ही तो एक ट्रकर का काम है। बिजी है भाई, वॉशरूम बिजी है, लेकिन तब तक हम यहाँ पे इनकी कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि टिम हॉर्टन वाले कैसे बनाते हैं कॉफ़ी। ये होती है कॉफ़ी, फिर ये लाल होती है, फिर इसको औरत उठाती है, फिर इसको हल चलाते हैं, फिर इसको पीसते हैं और फिर इसको बनाते हैं। ये कुछ इस तरह के सीज़न में होती है, ब्राज़ील में पता नहीं कहाँ पे होती है।
चलो भाई कॉफ़ी तो ले लिए बारिश में भीगते भीगते, लेकिन चलने से पहले एहसान रशीद के कमेंट का जवाब दे देते हैं। वो पूछते हैं कि पाकिस्तान में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्लर्क हैं वहाँ पे, तो वो कैसे आए? तो एहसान भाई, सरकारी आदमी आप, पगार उठाएं खाएं ऐश करें यार, काम तो आप लोग करते नहीं हैं। सॉरी से यहाँ पे कहाँ आ रहे हो यार, फंस जाओगे आप यहाँ तो भाई, बहुत काम करना पड़ता है। अभी मैं गया था टिम हॉर्टन में लेने कॉफी सामने, तो वहाँ पे दो लड़कियाँ थी कोई 12-13 साल की, और दो लड़के थे, एक शायद कोई 13 साल का और दूसरा 17 साल का। तो इतनी कम उम्र से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं शायद इनको अलाउ करता है कानून जो है इनका 18 साल से पहले। तो यहाँ पे वर्किंग कल्चर है, बहुत लोग काम करते हैं। आप सरकारी आदमी हो तो सरकारी आदमी का मतलब कि काम तो आप करते नहीं होगे। माजरत के साथ आप ठीक है, आप करते होगे काम, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लोग हैं वो कम ही काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं। तो आपको तो फिर छुट्टियों की आदत होगी, और यहाँ पे तो आपको पता है कि लाइफ बड़ी टफ है, तो आप सोच लें कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तो आप यहाँ आके आपको वो जॉब तो नहीं मिलेगी। जैसे आप अगर क्लर्क हो तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन होती है क्लर्क की, और बैठे बिठाए आ रही होती है सैलरी हर महीने, चाहे हड़ताल हो, हंगामा हो, पाकिस्तान खुला हो, बंद हो, डिफॉल्ट हो, फॉल्ट में हो, कुछ भी हो, आप लोगों की इतने हैं खरी हैं। तो यहाँ तो आप काम से हिले और आपकी तनख्वाह बंद, आवरली पे होती ना यहाँ पे, तो आप एक ना टाइमिंग से हटे और सैलरी बंद है आपकी, तो आप देख लें पहले। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपकी सेटिंग है वहाँ पे अच्छी, जॉब ऑफ है, सैलरी है, तो मेरे ख्याल है कि आप सो कंटिन्यू करें। अगर नहीं तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पोजीशन है, क्या है मतलब कि आप ज़रा थोड़ा और दोबारा सोच के तो कमेंट कीजिएगा। और मजाक कर रहा हूँ, नाराज़ मत होइएगा। शुक्रिया। चलते चलते एक स्टॉप पे रुके हैं, तकरीबन 250 किलोमीटर बाकी है, टोटल 550 है। बारिश चल रही है माशाल्लाह, वहाँ से शुरू हुई थी, एडमंडसन में भी थी, यहाँ पे भी चल रही है बारिश। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि वो सऊदी अरब में लाइट व्हीकल चलाते हैं, छोटी गाड़ी आई थिंक, या फिर कोई डियाना, कोई छोटी बस होगी। तो कह रहे थे कि वीज़ा दिलवाने में आप कोई हेल्प करें। देखिए भाई, हेल्प तो आपने सबसे पहले अपनी खुद ही करनी है। मैंने तौर तरीका बता रखा है अपने चैनल पे, और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उस पे वीडियोस हैं। पहले सबसे पहले तो आप अपनी सीवी बनाओ, सीवी के ऊपर वीडियो है, उसके बाद ऑनलाइन कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, ऑनलाइन सर्च कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर भी वीडियो बना रखी है डिटेल में। आप जाओ चैनल पे पहले देखो कि वहाँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीज़ा दिलवाने में मैं तो कुछ कर नहीं सकता सिवाय आपको गाइड करने के। प्रिपरेशन बहरहाल आपने ही करनी है, तैयारी आपने ही करनी है, अपने आप को रेडी आपने ही खुद करना है, अपने आप को, अपनी प्रोफाइल जो है अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं, सीवी बनाएं कैनेडियन फॉर्मेट में, उसके बाद अप्लाई करें ऑनलाइन। तरीक़ेकार सब बता रखे हैं वीडियो चैनल पे, डिटेल्ड वीडियोस में बता रखा है, तो आप वहाँ पे ट्राई करें इंशाल्लाह। वैसे लाइट व्हीकल का तो बहुत मुश्किल है, आपको ये ट्रक में कोशिश करनी चाहिए, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी गाड़ी का तो यहाँ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी
कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके लिए बड़ी गाड़ी का लाइसेंस लेना नामुमकिन है तो आप छोटी गाड़ी में कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो है अल्लाह की ज़ात, वही है एक खालिक व मालिक जो वीज़े दिलाता है। इंसान तो बस कोशिश ही करता है, लेकिन कोशिश बहरहाल आपको खुद ही करनी होगी। तौर तरीका क्या है, करेक्ट गाइडेंस क्या है, यह मेरा काम है। मैं इसको दिल से करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हो जाए। बाकी कामयाबी देने की जो गारंटी है वो सिर्फ़ अल्लाह ही दे सकता है। इंसान का काम तो सिर्फ कोशिश करना है।